Hi guys, this is Karan Saroha and welcome back to my new video. 3 days के बाद second video, bro. So जैसा कि सबको पता है 13 और 15 को CBSE का result आ चुका है. So ये video उसी के बारे में होने वाली है. उनका reaction देखेंगे जो हमारे toppers हैं. So let's see. And sorry guys, थोड़ा आवाज में echo आ सकता है क्योंकि मैं direct camera से shoot कर रहा हूँ बिना किसी mic के. सबसे पहले आती है दिव्यांशी जैन. दिव्यांशी. देखो रोहित, सब हंस रहे हैं. चलो, let's go. नहीं नहीं, होएगा. एक और time. दिव्यांशी, दिव्यांशी, अबे चलना. जिसने 600 लिए हैं आउट ऑफ 600, वो भी 12th क्लास में. मतलब ऐसा होता है. तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि टॉपर्स दिखते कैसे हैं. मैं दिव्यांशी जैन, मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ. मेरे स्कूल का नाम है लवली ग्रेडियंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन लखनऊ. मेरे 12th में इस साल 600 आउट ऑफ 600 आए. कॉन्फिडेंस देख रहे हो, 600 आउट ऑफ 600. यार मतलब टीचर्स ने कुछ फूका था क्या, या फिर कोई जादू टोना किया था कि हाँ सब कुछ ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. मतलब ये कैसे पॉसिबल है यार. और आज मेरे साथ दिव्यांशी जैन हैं जिन्होंने 600 में 600 की बाजी मान कर. ये मीडिया वाले और पड़ोसी कभी भी कहीं भी पहुंच सकते हैं. मतलब कोरोना चल रहा है भाई, अब तो रुक जाओ. पागल है क्या, ब्रेकिंग न्यूज है. दिव्यांशी जी, पहले तो आप बताएं कैसा आपको लग रहा है, जब आपका रिजल्ट आया तो क्या था? ये कैसा क्वेश्चन है, कैसा लगा? मतलब कोई 600 आउट ऑफ 600 लेगा तो रोएगा तो नहीं ना, खुश होगा. जब रिजल्ट आया तो पहले तो मुझको लगा कोई प्रैंक कॉल है. सच मुझको ऐसे ही लगा था कि मुझे ऐसे भी गया था कि तुम्हारे सब मिस हो आए. तो मैंने कंफर्म किया कि कौन बात कर रहा है. अभी तक मैंने अपनी मार्कशीट नहीं देखी है, पर मैं बहुत शॉक थी तब. और जब लोग बार बार पूछते हैं कि आपने टॉप किया है, कैसा लग रहा है, तो आपको जबरदस्ती वो खुशी लानी पड़ती होगी ना फेस पे कि हाँ मैं कैसे बताऊँ इसको, मजा आ गया था. हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि मार्क्स हम लोग को डिसाइड करते हैं, बट हाँ जरूरी है, मार्क्स कभी कभी कॉलेज एडमिशन में काम आ सकते हैं. सो अपने स्कूल को प्रमोट कैसे करना है, जहाँ पे भी जाओ यूनिफॉर्म पहन के जाओ. इसके बाद है तुषार सिंह, जिसने 500 आउट ऑफ 500 लिए हैं. मतलब तुम सोचो इतने सारे सब्जेक्ट हैं एंड अलग अलग टीचर्स ने चेक किए होंगे और हर किसी में फुल मार्क्स. इसके लिए मैं रोज 6 से 7 घंटे पढ़ता था. 6 से 7 घंटे और मैं आधा घंटा. मेहनत के पीछे मेरे सारे टीचर्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे कभी ये नहीं लगने दिया कि मार्क्स ही सब कुछ है. सच में बहुत मेहनत लगती होगी यार. चलो ये तो थे इस साल के टॉपर्स, कुछ और टॉपर्स की भी बात करते हैं. I was not expecting this much. My expectations were around 96% की expectations. यहाँ 40% के लिए भगवान को पता नहीं कहाँ कहाँ चूना लगाया मैंने. I was surprised. तरु, क्या इतनी खुशी हो गई है कि बोलने में भी काफी दिक्कत हो रही है? ये अंकल बड़ा अंडरस्टैंडिंग है. सबसे बड़ा रोल होता है कि मम्मी का. मम्मी ने किस तरह से तुम्हें प्रिपेयर किया, कैसे कैसे सवेरे जल्दी उठाया, किस तरह से आपको खाना खिलाया, किस तरह से आपकी पढ़ाई की चिंता की. बहुत हेल्प किया. और एग्जाम से पहले मुझे हाथ से खाना खिला के भेजती थी. और यहाँ मेरी मम्मी कमर में 2 चप्पल मार के उठाती थी यार. और जब मैं बोलता था ना कि मुझे पढ़ने दो, मेरे एग्जाम है, उनको मेरे से ज्यादा भरोसा था कि मुझसे कुछ नहीं होना. हम उनके मम्मी पापा से बात करेंगे जो इतने खुश हैं, शायद बया नहीं कर पाएंगे, अपनी खुशी को बया नहीं कर पाएंगे. जी ये बंदा पहले ही एक्सप्लेन कर देगा कि हाँ नर्वस है, बोल नहीं पाएंगे, डरे हुए हैं, बहुत खुश हैं. ऐसे ही तो रिपोर्टर चाहिए. नहीं, सब कुछ खाती थी, लेकिन एग्जाम में जाने से पहले पनीर का पराठा, पनीर का पराठा, पनीर का पराठा. मम्मी देख लो पनीर का पराठा, मेरे को तो नहीं खिलाया यार कभी सुबह. नहीं ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ता नहीं था, मेरे 12th में 79% थे. और पता पापा का क्या रिएक्शन था? 80 क्यों नहीं आए? मतलब यार 79 और 80 में फर्क कितना है? भी टॉप किया है तो आपको कैसा फील आ रहा है? बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश. मतलब फिर से वही क्वेश्चन, कैसा लग रहा है? और भाई बेचारा बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश. आपका एक मार्क कटा है, कौन से सब्जेक्ट में आपका एक मार्क कटा है? मतलब उस बंदे ने टॉप किया है लेकिन इसका क्वेश्चन, आपका एक मार्क कटा है, कौन से सब्जेक्ट में आपका एक मार्क कटा है? मतलब बोलना क्या चाहता है भाई, वो बंदा नहीं भी सोचा होगा ना कभी, तो अब सोच रहा होगा यार एक नंबर. शिट, अच्छे आ जाएंगे. आइडिया 80 का है तो 70 तो अबव आनी चाहिए. भाई वो बेचारी एग्जाम देके आई है, क्या पता उसने अंकल से छुपा रखा हो, नहीं उनके सामने ही पूछना है. 60 के एवरेज में आ जाएंगे. 50 अबव. यार ये पहली लड़की देखी मैंने जो 50-60 में भी खुश है. मेरे 40 आ जाएंगे. 40-50 कम, उससे भी कम. भाई ये है रियल बंदा, आ जाएंगे 40-50, क्या फर्क पड़ता है यार, उससे भी कम. यार सच बता रहा हूँ, ऐसे बंदे ना पूरी उम्र खुश रहते हैं. This is just very, I mean, over the top surprising.
एक नंबर कट गया इंग्लिश में, शायद 99 आए हैं आपके, अभी ऐसा लग रहा है कि एक नंबर और आ जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं जितने मिल गए उतने बहुत खुश हूँ। वो बेचारी खुश है, उसके जितने भी है नहीं, आपका एक नंबर कट गया, आपको कैसा लग रहा है? वो भी उसकी मम्मी के सामने 9 मार्क्स आए आपके, और सबसे ज्यादा मोटिवेशन। ओके, पीछे से एक और रिपोर्टर आती है, सामने कैमरा ऑन है भाई, देख तो लो। भंग। आपका आर्ट साइड रहा, जनरली आर्ट साइड में ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करते 499 मार्क्स। साइंस, वो बेचारी फोन पे बात कर रही है, लेकिन नहीं मैम, एक सेकंड मैम, फोन रखो मैम। आई थिंक भाई ये पागल है क्या ये लोग। चलो इनके बाद आते हैं इनसे नेक्स्ट लेवल वाले टॉपर्स पे, जो बिना पढ़े टॉप कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुन रहे, क्या चीज है? खाना बनाने के बारे में। व्हाट द फक, पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है, तो होम साइंस क्या होता है? इस लड़की ने टॉप किया था बिहार में 2016 में, मतलब ये टॉप कर सकती है तो 500 में से 500 भी आ सकते हैं। रूबी के इस अजब गजब जवाब के बाद मामले ने इतना तूल पकड़ा कि कल रूबी के खिलाफ पटना के कोतवाली थाने में FIR दर्ज हो गई और रूबी अपने घर से गायब। घर से ही गायब। कभी कभी जाती थी, कहे ना कि लड़की वाला बात है, तो लड़की डेली कैसे जाएगी कहूँ? हाँ लड़की है, कैसे जाएगी डेली? वो घर से पढ़ के टॉप कर सकती है, समझ में आया ना? पॉलिटिकल साइंस है। इसी तरीके से टॉपर बनी एक छात्रा फिर से बोर्ड के सामने एग्जाम दे रही है। लग गई रूबी की तो लग गई। गणेश कुमार जो कि आर्ट्स के टॉपर हैं, वो इस वक्त अपने गांव ये समस्तीपुर पहुंचे हैं चक हबीब में, जो कि आर्ट्स के टॉपर हैं, लेकिन 3 दिनों से भूमिगत। गणेश ये बताइए, आप 3 दिनों से कहां पे गायब हैं? आप टॉपर हैं बिहार बोर्ड के, लेकिन अब गायब हैं। चाचा जी देहांत कर गए थे। ऐसे बहाने हम स्कूल में नहीं बनाते थे, बेटा कल क्यों नहीं आया? वो नानी गुजर गई थी, वो दादी मर गई थी। तो आपको पता है कि आप आर्ट्स के टॉपर हो गए हैं? हमको वहाँ पर पता नहीं चला, जब हम फिर अपना आने लगे तब हमको कहीं रास्ते उस्ते में इधर उधर से खबर आया या पेपर के माध्यम से, तब जाने कि हम मतलब अच्छा नंबर आया। क्या क्या है संगीत, क्या होता है? 7 सुर होते होंगे, कुछ बताइए जरा। हाँ 7 सुर होते हैं, सारे गामा पा धा नि सा, सब का एक सुर होता है। कॉन्फिडेंस ब्रो। कोई गाना गीत सुनाइए जरा हम लोग को। ये लो अब रिपोर्टर लेगा तेरी, इसको पार्क में ही ढोलक पकड़ा ले, मतलब इतना गंदा दिन किसका हो सकता है यार। जान जी घर तुम पे निसार किया है, प्यार किया है रसनम, प्यार किया है, प्यार किया है रसनम, प्यार किया है। देखो यार, जो भी टॉपर्स है सबको बधाई, क्योंकि बहुत मेहनत करके तुम टॉप कर पाते हो, और जो बाकी लोग हैं जिनके उतने मार्क्स नहीं आ पाए या फिर बहुत कम मार्क्स है, मत सोचो, सोचने से कुछ नहीं होगा। 10th या 12th के नंबर डिसाइड नहीं करेंगे कि तुम आगे कुछ कर पाओगे या नहीं, बहुत कुछ है दुनिया में करने को, सो अपने मार्क्स को लेकर डाउन मत हो जाना। सो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, एंड सबसे ज़रूरी सब्सक्राइब कर लो एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो। बाय।